हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, घड़ी। घड़ी से एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, हर किसी कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि घड़ी के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए, इसमें घंटे और मिनट की सुई, इनके बीच बनने वाले कोण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तेज घड़ी और मंद घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई घड़ी फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, एक टाइप बनता है आपका जल प्रतिबिंब वाला, एक आपका बनता है दर्पण प्रतिबिंब वाला, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सारे टाइप क्लियर करते हैं। पहले हम कुछ इसके घड़ी के कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्लॉक के कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो क्लॉक में जो है, हमेशा जो भी क्वेश्चन आता है, घंटे और मिनट की सुई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घड़ी में मैक्सिमम टाइम जो दिखाता है वो 12 घंटे दिखाता है। यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ आपका 6 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा और यहाँ 9 बजेगा, यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, 4, 5 बजेगा, 7 बजेगा, 8 बजेगा, यहाँ 10 बजेगा और यहाँ 11 बजेगा, इस तरीके से रहता है। अच्छा, घड़ी की घंटे की सुई एक पूरा राउंड लगाने में जो समय लेती है वो 12 घंटे का समय लेती है। घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। मीन्स 12 घंटे में ये पूरा जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि वृत्त जो है अपने केंद्र पे 360 अंश का कोण बनाता है। तो घड़ी की घंटे की सुई पूरा राउंड 12 घंटे में लगाती है और 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 × 36 मीन्स एक घंटे में, घंटे की सुई एक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। एक घंटे का मतलब हुआ घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है। तो एक मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 30, ये 60 इधर बट्टे में आ जाएगा, मतलब आधा डिग्री का कोण बनाएगी। अब बात करते हैं मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई देखते हैं, मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई एक पूरा चक्कर जो है, एक पूरा चक्कर, एक खाना 5 मिनट का होता है, ओवरऑल पूरा जो चक्कर लगाई वो 60 मिनट में लगाती है। तो 60 मिनट में पूरा राउंड कंप्लीट करेगी और जब एक पूरा राउंड कंप्लीट होगा तो कोण बनता है 360 डिग्री का। यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 6×36, मतलब एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा डिग्री कोण बनाती है। तो जब भी याद रखिएगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, कहीं पे भी बात चल रही हो, कम या अधिक की बात चल रही हो, तो कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। तो हम तुरंत अंतर निकालेंगे, कितना ज्यादा या कम। तो कोण निकाल रहे हैं दोनों सुइयों के बीच का कोण। एक मिनट में जो अंतर आता है वो कितने का आता है? 6 डिग्री माइनस आधा डिग्री, मीन्स 5.5 डिग्री का अंतर आता है। दोनों सुइयों के बीच एक मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर आता है। इसका मतलब अगर हमें दोनों सुइयों के बीच कोण निकालना हो तो क्या करते हैं, थीटा अगर हमें निकालना है दोनों सुइयों के बीच, तो थीटा इक्वल, ये देखो मिनट वाली सुई 5.5 डिग्री, एक मिनट में 5.5 डिग्री आगे निकल जाती है। तो जितने मिनट होंगे उतने ही मिनट का हम गुणा कर देंगे, तो 5.5 × मिनट। डिफरेंस अगर घंटे दिए गए हैं तो क्या करेंगे, डिफरेंस 30 × hour, क्योंकि घंटे की सुई एक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, एक घंटे में 30 अंश का, तो 30 × hour। अच्छा, अब यहां से कभी भी किसी फॉर्मूले में हम दशमलव नहीं यूज करते हैं, तो इस दशमलव को हटाएंगे, बट्टे में 10 लिख देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से काटेंगे, 5 एकल 5, 5 एकल 5, 5 × 10, तो ये आ गया है थीटा इक्वल 11 × मिनट
अपॉन टू डिफरेंस 30 इंटू आवर। अब देखो ये बट्टे में दो जो है केवल इसी के बट्टे में, अगर हम पूरी लाइन खींच दें सभी के बट्टे में लाएंगे तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल 11 इंटू मिनट डिफरेंस 60 इंटू आवर, क्योंकि दो का इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा 60 इंटू आवर अपॉन टू। यही फॉर्मूला हम घड़ी की, घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कोण निकालने में यूज करते हैं। कई बार हमें कोण दिया होता है और हमसे समय पूछता है, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है कि 2 बजे और 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच, मान लो 2 बजे और 3 बजे के बीच कब मिलेंगी, कब विपरीत होंगी, इस टाइप से पूछता, मतलब समय पूछ लेता है। अगर मिलने की बात करेगा मतलब मिलेंगी तभी जब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब कोण हमें मालूम है और हमें समय निकालना है किस कितने समय पे मिलेगी, किस टाइम पे मिलेगी। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एम इक्वल 11, एम इक्वल 2 अपॉन 11, एच वन इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री, इस तरीके से इसे यूज करते हैं। ये इसी का परिवर्तित रूप है, 2 अपॉन 11, एच वन इंटू 30 प्लस माइनस 8 डिग्री, ये इसी का बदला हुआ रूप है। 2 का इधर मल्टीप्लाई करके यहां से इसे पक्षांतर करके लाके तो ये निकाल लेते, जब हमें थीटा निकालना होता तब इसे लगाते हैं और जब हमें मिनट की वैल्यू लगानी मतलब निकालनी होती है तब इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कई बार टीचर आपको सीधे सीधे लर्न करने के लिए दे देते, याद करने के लिए दे देते हैं और आप उसे रट लेते हैं, अप्लाई करते हैं, पर मालूम नहीं होता ये आखिर ये आया कहां से। तो आपको हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आता है, थीटा ऐसे निकालते हैं, यहां से मिनट की वैल्यू निकालते हैं। अब आपको ये जो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला यूज किए बिना लॉजिक से क्वेश्चन पढ़ने के बाद मात्र 2 से 5 सेकंड में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, आप आगे अगर ये वीडियो देखेंगे तब आपको हम सॉल्व करना बता। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, अभी जो आपके फॉर्मूला ग्रुप करा दिया, बाकी के और जो कॉन्सेप्ट रह गए इन्हें देखते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक टाइप करके क्लियर करेंगे सारे क्वेश्चन, दो पांच सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर तो रीजनिंग उंगलियों पर, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, घड़ी की दो सुइयों, दोनों सुइयां 1 घंटे में, कौन दोनों सुइयां, घंटे और मिनट वाली सुइयां, एक बार 0 डिग्री पर मतलब मिलती हैं, मिलने का मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे की जब एकदम ऊपर होंगी मिलेंगी तो इन दोनों के बीच में कोण बनेगा 0 डिग्री। तो 1 घंटे में ये पोजीशन एक बार बनती है, यानी 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होती हैं, या कह लो कि मिलती हैं। अच्छा, एक ही बार 180 पर होती है, 180 डिग्री का मतलब एक इधर है, एक अगर हमारी इस डायरेक्शन तो दूसरी इधर, एक पूरब तो एक पश्चिम, अगर एक उत्तर तो दूसरी दक्षिण, मतलब जस्ट विपरीत, विपरीत का मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई एकदम से दोनों सुइयों के बीच, तो एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा, इस पे कोण बनता है 180 डिग्री का। तो हम यूं कह सकते हैं कि 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां विपरीत होती हैं या एक बार 180 डिग्री पर होती हैं। अब दोनों सुइयां लंबवत मींस 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर 1 घंटे में दो बार 90 डिग्री पर होती हैं, इस टाइप से, जैसे एक 3 पे है तो एक 12 पे है, इस टाइप से एक इधर 9 पे है तो एक 12 पे, ऐसे मतलब ये पोजीशन जो है 90 डिग्री वाली 1 घंटे में दो बार होती है। अच्छा, 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में दोनों सुइयों के, दोनों सुइयां जो है 11 बार 0 डिग्री पर होती हैं, या दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। अब आप सोचिए, जब 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 12 बार नहीं होता, तो हम आपको बताएंगे कौन सी पोजीशन छोड़ देते हैं, और 11 बार ही 180 डिग्री पर होती हैं। अच्छा, इसी अकॉर्डिंग अगर 2 बार 90 पर होती है तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन 22 बार लंबवत होती है। अब आपको यहाँ से क्लियर करते हैं, चित्र बना के क्लियर करते हैं, इस टाइप से यहाँ हमारा 12 बजता है, यहाँ 12 बजेगा और यहाँ 6 बजता है और यहाँ 3 बजता है और यहाँ बजेगा हमारा 9
बीच में यहाँ एक बजेगा और यहाँ दो बजेगा, यहाँ चार बजेगा और यहाँ पांच बजेगा, यहाँ सात बजेगा और यहाँ आठ बजेगा, यहाँ दस बजेगा और यहाँ ग्यारह। तो देखिए जो एक घंटा जो हम छोड़ देते हैं तो मिलने वाली कंडीशन पर जब जीरो डिग्री पर, तो ये वाला एक घंटा छोड़ देते हैं। जब दोनों जस्ट 12 होती, करेक्ट 12 बजा होता है, तो वो किसी घंटे के बीच का टाइम नहीं होता। ना ही हम ये कह सकते हैं 12 और 1 के बीच का है, ना ही हम कह सकते हैं 11 और 12 के बीच का। करेक्ट 12 बजा हुआ, राइट टाइम 12 बजा हुआ है। तो ये अपने आप में एक इवेंट है, अपने आप में एक घटना है, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। इसी तरीके से विपरीत वाले में हम 6 को छोड़ देते हैं। जब 6 को होती तो मिनट वाली सुई जस्ट 12 को होती है और घंटे वाली सुई 6 को होती है। तो 6 बजे करेक्ट 6 बजा होता है, किसी भी घंटे के बीच का टाइम नहीं होता है, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। इसी तरीके से लंबवत वाले में हम जो 12 घंटे में, एक तो 3 बजे पे घंटे वाली सुई करेक्ट 3 को होती है और मिनट वाली 12, तो इस इवेंट को छोड़ देते हैं। और दूसरा ये करेक्ट जब 9 बजता है तो एक घंटे वाली सुई 9 पे और मिनट वाली सुई 12 पे होती, तो इसे भी हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हम 2 घंटे छोड़ देते हैं, इसीलिए ये 24 बार न होकर यहाँ 22 बार रहता है और यहाँ जो 12 बार न होकर 11 बार रहता है। इधर मिलने वाले हम 12 को छोड़ देते हैं और विपरीत वाले में 6 को छोड़ देते हैं, और लंबवत वाले में ये 3 बजना और 9 बजना अपने आप में इवेंट है, इन्हें छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर से देखते हैं, घंटे की वो घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार मिलती हैं, एक बार विपरीत होती है और 2 बार लंबवत होती हैं, जबकि 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी, 11 बार विपरीत होती हैं, 22 बार लंबवत होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जब मिनट की सुई 1 घंटे 10 मिनट की दूरी तय करती है तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है। मतलब हमें समय दे रहा है कि 1 घंटे 10 मिनट की दूरी, अगर मिनट की सुई 1 घंटे 10 मिनट की दूरी तय करती है तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है। हमें मालूम है कि 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम ये जो घंटा और मिनट दिया गया है, इसे घंटे में कर, पहले हम मिनट में कन्वर्ट कर लें इसे। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट तो ये और 10 मिनट ये, तो टोटल 70 मिनट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बन गया है कि जब मिनट की सुई 70 मिनट की दूरी तय करती है, मतलब समय में 70 मिनट की दूरी तय करती है, तो वह कितने अंश की दूरी तय करेगी, कितने अंश की दूरी तय करेगी। तो 70 मिनट में ये 70 गुणा 6, 7 × 42, 420 डिग्री की दूरी तय करेगी, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री की दूरी तय करती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले समय को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम 6 से गुणा कर देंगे। 1 मिनट में जितना कोण बनाती है उससे गुणा कर देंगे तो हमारा अंश में दूरी निकल आएगा। तो एक तो ये उत्तर बनता है हमारा, दूसरा ये बनता है समय दिया होता है, कोण निकालने को आता है। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का है हमारा कि 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो मिलेंगी का मतलब बताया था आपको, मिलने पे 0 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी, मिलने का मतलब एक दूसरे के ऊपर, तब इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा 0 हो गया, थीटा हमारा 0 है। एच वन जो प्रथम घंटा है वो कितना है, 3 बजे और 4 बजे में, पहले 3 बजे गए 4, तो 3 बजेगा, तो प्रथम घंटा हो गया 3। अब इसके बाद में बचा क्या, हमें मिनट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था एम इक्वल 2/11 एच वन इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री, इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, लॉजिक से भी बताएंगे आपको। तो पहले इससे निकाल लेते हैं, तो m इक्वल 2/11 h1 की वैल्यू है 3, तो
तीन गुणा तीन तीन किया 990 और प्लस माइनस थीटा जीरो है, जीरो जोड़े या घटाए कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, तो 90 का इसमें सीधा m इक्वल ये जीरो तो हट जाएगा, तो 2/11 इंटू 90, तो 9 × 2 = 18 180/11 11 से 11 = 11 बचा 7, 70 हुआ 11 × 6 = 66 66 और 4 = 70 तो 16 से 4 = 11 मिनट, मिनट की लंबी आ गई। तो आंसर हमारा ये नहीं होगा कि 16 से 4 = 11 पूरा आंसर होगा 3:16 से 4:11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो 3:16 से 4:11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। लॉजिक से इसे कैसे निकालते हैं, देखिए लॉजिक से हम आपको बताते हैं, जब भी बात आए कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, मिलने की बात आए तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले बताया था एक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए लेकिन 11 बार आपस में मिलती है, क्योंकि 12 बजना अपने आप में एक इवेंट है, इसे हम बेस मान के करते हैं। अच्छा, अगर विपरीत की बात करें तो 6 को बेस मानेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा ये बेस क्या है, इसके बारे में भी क्लियर कर दूंगा। पहले आप समझ रहे हैं कि हमने कौन कौन से समय को उस टाइम पे छोड़ा था जब मिलने या विपरीत की बात आएगी, 7, 8 यहाँ 10 बजे का, यहाँ 11, तो मैंने मिलने के टाइम पे ये वाला घंटा छोड़ दिया था क्योंकि 12 बजना अपने आप में एक इवेंट है और दोनों सुइयां परस्पर एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, तो ये वाला इवेंट हम छोड़ देते हैं, केवल 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं, तो मिलने के टाइम पे इसे बेस मानेंगे। विपरीत के टाइम पे हमने 6 को छोड़ा था, तो विपरीत के लिए इसे विपरीत, अब 6 को बेस माना, और मिलने के समय पर, मिलने पर 12 को बेस मानते हैं, और ये जो 3 और 9 है इसे लंबवत के टाइम पे छोड़ दिया था, लंबवत, लंबवत के लिए 3 और 9 को छोड़ दिया, तो इन्हें बेस मानेंगे। अब करना क्या होता है, इसमें हम लॉजिक से सीधा मिनट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, 60/11 लिखेंगे, 60/11 लिखेंगे, और ये देखेंगे कि 12 को बेस मान करके, मिलने की अगर बात कर रहा है तो 12 को बेस मान करके हम प्रथम घंटे तक आएंगे, तो 12 के बाद 1 बजा होगा, यानी 1 घंटा 2 3 तक आने में कितना समय लगा, 3 घंटे लगा, सीधा 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ से 6 × 3 = 18 180/11 कर लो, 11 से काटेंगे, 11 × 1 = 11 बचा यहाँ 7 = 70 हुआ, 11 × 6 = 66 तो 16 से 4/11 मिनट, तो आंसर हो गया हमारा 3:16 से 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे। लॉजिक से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए एक बार फिर से जल्दी से करते हैं, अब आप लोग सीख चुके हैं क्या करना, 60/11 लिखेंगे और मिलने के लिए 12 को बेस मान करके हमें प्रथम घंटे तक आना है, प्रथम घंटा क्या, 3 बजे और 4 बजे का पूछ रहा, तो प्रथम घंटा है 3, तो 12 से 3 तक आएंगे, 1 2 3 3 का गुणा कर दे 36 = 18 180/11 मींस 16 से 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां, 3:16 से 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। इसी तरीके से मिलने के अलावा अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ रहा होता 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, अगला क्वेश्चन इसी में कर लेते, तीसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, विपरीत, तो विपरीत के लिए एक तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूले में अभी हमने वैल्यू रख के बता दिया था कि वो चेंज क्या होगा, थीटा 180 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत में थीटा 180 हो जाता, दोनों सुइयां एक इधर होगी एक इधर होगी, अगर एक पूरब तो एक पश्चिम, अगर एक उत्तर तो दूसरी दक्षिण, इस तरीके से विपरीत, तो विपरीत के टाइम पर दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण की वैल्यू हो जाएगी, प्रथम घंटा हमारा एचवन वही रहेगा 3 बजे, चूंकि 3 पहले बजता है 4 बाद, तो इस तरीके फॉर्मूले से निकालेगा, लॉजिक से इसे बताते हैं, लॉजिक से कैसे करेंगे, सीधा हम मिनट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, m इक्वल 60/11 लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसी में हम 6 को बेस मानेंगे, 12 6 3
9, अब यहाँ 6 को बेस मान करके यहाँ 8 बजेगा, यहाँ 7 बजेगा और यहाँ 8 बजेगा, यहाँ 10 बजा होगा, यहाँ 11, यहाँ 1 और यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 4 और यहाँ 5 बजेगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ चूंकि पूछ रहा है विपरीत का, विपरीत के लिए हमने बताया था ये 6 छोड़ देते हैं, इसी घंटे को छोड़ा था, इसे बेस मान करके प्रथम घंटे तक क्लॉक वाइज चलेंगे। अच्छा ध्यान रखना है, चाहे विपरीत निकाले, चाहे लंबा निकाले, चाहे मिलने का निकाले, हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलना है। तो 6 को बेस मान करके प्रथम घंटे तक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम घूमेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 घंटे हुए। तो 60 बटे 11 * 9, 9 * 6 = 54 बटे 11 से कर लेंगे 11 * 44 11 * 55 ज्यादा हो जाएगा, 11 * 44 यहाँ बचा 10, 100 होगा, 11 * 99 = 100, 49 सही 1/11 आंसर हो जाएगा 3:49 सही 11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे रख कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में हम अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं। अगर मान लो यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा होता, क्वेश्चन नंबर 4, 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में लंबवत होंगी, लंबवत होंगी। इस तरीके से अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता, लंबवत का मतलब दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री पर कब होंगी। तो वैसे हमने आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसमें बताया है, एक घंटे में एक बार दोनों सुइयां मिलेंगी, एक घंटे में एक बार आपस में विपरीत होंगी, और एक घंटे में दो बार लंबवत होंगी। तो दो बार लंबवत हुई होंगी तो दो आंसर आएंगे हमारे इसके, क्योंकि 3 बजे और 4 बजे के बीच 1 घंटे का गैप है, तो 1 घंटे में दो बार लंबवत होंगी, दो आंसर आने चाहिए। लेकिन 3 बजे और 4 बजे के बीच हमें मान लो 3 बजना अपने आप में एक इवेंट होता है और 9 बजना अपने आप में इवेंट, ये दोनों इवेंट हमने छोड़े थे, इन्हीं को यूज करते हैं। तो पहला आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60/11 लिखेंगे। पहले हम 3 को बेस मान करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रथम घंटे तक आएंगे, प्रथम घंटा भी हमारा 3 है, तो 3 से 3 तक चले तो कितना चले, 0 घंटा, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 हो जाता है, मींस 3 बजे दोनों सुइयां मिली होंगी, और 3 बजे 4 बजे के बीच कहां पे मिली होंगी। अगला निकालते हैं अपनी बार, 9 को बेस मान करके दूसरा आंसर निकालेंगे, एक तो आंसर हो जाएगा 3 बजे, राइट टाइम 3 बजे, दूसरा हम निकालेंगे चूंकि 1 घंटे में दो बार लंबवत हुई होगी, तो दूसरा टाइम कौन सा रहा होगा, तो 60/11 अब प्रथम घंटे से, सॉरी यहां से हम 9 को बेस मान के प्रथम घंटे तक चले, प्रथम घंटा है 3, तो 9 से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 3 तक आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 घंटे का समय हुआ, 6 × 36 360/11 तो 11 × 33 बचा 3, 30 हुआ, तो 11 × 22 8/11 तो 32 सही 8/11 तो एक तो आंसर हुआ 3 बजे और दूसरा हो गया हमारा 3:32 सही 8/11 पर दोनों सुइयां आपस में लंबवत होंगी। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो आपके दो टाइप क्लियर हुए, तो आपके ये पहला टाइप ये, और दूसरा कोण निकालने वाला, एक तो ये मतलब कोई समय दिया गया मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण तय करेगी, ये वाला टाइप क्लियर करा दिया। दूसरा ये जब हमें कोण निकालना हो, अभी आपका ये वाला समय निकालना हो, समय वाला जब हमें कोण दिया गया हो, अच्छा इसमें हमें कभी कभी एग्जैक्ट टाइम दे देगा कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा, तब हमें फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा m = 11 h / 2 = 30 ± 8 डिग्री से, और वरना हम क्या है विपरीत लंबवत और मिलने का अगर निकलवाएगा तो हम सीधा इस लॉजिक से निकाल सकते हैं बेस मान करके। तो मिलने के लिए 12 को बेस, विपरीत के लिए 6 को, और लंबवत के लिए 3 और 9 को बेस मान करके निकाल सकते हैं। ये टाइप आपके क्लियर हुए, आगे के टाइप हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे, पढ़ी